नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राजस्थान कल्चर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पहुँचे जैसलमेर और आज आपको मैं लेकर आया हूँ गड़ीसर लेक, जो जैसलमेर में सबसे प्रसिद्ध तालाब है। जी हाँ दोस्तों, ये गड़ीसर लेक अंदर चलते हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है मुख्य रास्ता, और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर देश विदेश से भारी तादाद मात्रा में लोग घूमने के लिए आते हैं हर साल, और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी आइए यहाँ घूमने के लिए। और हम पहुँच चुके हैं अंदर की ओर, और ये आपको नज़र आ रहा है राजस्थानी वेशभूषा में पुतला जो लोहे का बना हुआ। जी हाँ, राजस्थानी पोशाक है। जी हाँ दोस्तों, अपनी पहचान से जाना जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, अंदर की ओर चलते, ये मुख्य पोल है गड़ीसर लेक का। जी हाँ दोस्तों, अंदर दुकानें भी है, चाय कॉफी नाश्ता वगैरह सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, अंदर की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तालाब के मुख्य द्वार पे। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलेंगे अंदर और आपको दिखा रहा हूँ गड़ीसर लेक, जो अभी पानी से कितना भरा हुआ है वो भी आप देखिए। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखो यहाँ घूमने के लिए आइए टूरिस्ट वगैरह, ये देखो तालाब कितना पानी अभी भरा हुआ है गड़ीसर लेक। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, स्थानीय पीले पाषाण से निर्मित जाली जरोखा युक्त यह दो मंजिला प्रवेश द्वार विशाल भवन स्थापत्य कला एवं वास्तुनिक कला का उत्कृष्ट नमूना है। कहा जाता है कि इस प्रवेश द्वार का निर्माण टीलो नामक एक परोपकारी गणित द्वारा करवाया गया था, अतः इसे टीलों की पोल भी कहते हैं। यह विशाल भवन रूपी प्रवेश द्वार बाहर से आने वाले साधु संतों यात्रियों के ठहरने के लिए उपयोग में आता था। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आगे भी राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान कल्चर से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। और जी हाँ दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक कमेंट जरूर करें। और मैं राजस्थान से रिलेटेड कल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद।